दम दिखा रहे हैं आपको, और इसको जल। मेरे पास 9:30 है, मुझे आज बहुत भूख लगी थी, नाश्ता कर लिया है, बर्तन किचन में लेके जा रही हूँ, पराठा और चाय, क्रिस्पी मज़े का था, खा लिया, बर्तन साइड पे किचन में जाकर रखती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। अल्लाह करे मुझे नींद आ जाए, मैं सारी रात नहीं सोई। हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी चीज़ें एडिट बनाना करना मेहनत करते रहते हैं। आप भी हमारे ब्लॉग देख के खुश हुआ करें, खुशी खुशी के साथ प्यार प्यार के साथ देखा करें कंप्लीट। तो आगे अभी रेस्ट करते हैं, उसके बाद मज़ीद आगे व्लॉग जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छा कुछ लेके आएंगे। मेरे बस आज दोपहर का खाना देखेंगे, मेहमान हैं, मार्केट, बिरयानी, घर की मसरूफियात और मार्केट की मसरूफियात सब आप साथ शेयर करते हैं। ये देखिए मेरे हमारे ये बैंगन, हम इसका एक इसका तो सालन भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने इनका फंस चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड में निकालते हैं, ये ज़्यादा ड्राई हो के अंदर इसका ख़त्म हो जाएगा। इसको हम सैलेड बनाना है, सैलेड बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से गरम करके पका के ठंडा करके इसका ऊपर से छिलका उतारेंगे, अंदर से सारा क्लीन करके ये बारीक बारीक प्याज टमाटर किस तरह से क्या गरा चाट मसाला अपने हसबे जायका नमक डालेंगे, बस और चीज़ नहीं डालनी हमने, प्याज टमाटर और चाट मसाला नमक अपने हिसाब से डाल के बड़ा टेस्टी सैलेड बनेगा। बना के दिखाते हैं, इधर से हम इनका सैलेड बनाएंगे, बहुत मज़े का टेस्टी बनता है सैलेड में, छोटे छोटे प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो स्पाइसी खाना चाहते हैं हम अवॉइड करेंगे, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, जीरा और वो होता है अपना खुश्क धनिया, वो ग्राइंड पाउडर की तरह, उनकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, बस ये चीज़ें होती हैं ऐड करने के लिए, वो ऐड करेंगे, उसका मज़े का सैलेड बनेगा। प्याज को अच्छी तरह पहले धो लेना है, इनकी कड़वार बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी तरह धो के नचोड़ के दबा के पानी इनमें ड्राई हो जाए, तो इस तरह से, क्योंकि टमाटर नहीं मिल रहे तो अल्लाह करे सब्ज़ी वाला आ जाए, सब्ज़ी वाला आता है टमाटर रहते हैं, टमाटर से सैलेड बहुत मज़े का बनता है। चल भून के बेचारे ये इतने बच गए हैं, हमने इसको आग पे भून लिया था, हम इसका बना रहे हैं सैलेड बरी बरी, एक प्याज बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है, ये हो गए टमाटर बरी एक छोटा, एक बड़ा टमाटर था, धनिया आप सब्ज मिर्चें खाते हैं तो डाल सकते हैं, ये थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक अपना हाथ हंसते का लाल मिर्च और नमक, आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो ये देखिए ब्लैक पेपर एक चुटकी, सब्ज़ धनिया और जीरा दोनों चीज़ें मिक्स करें, ये भी हाफ चमची है हमारे, इसको बंद करें, बना चाहिए अच्छा जब ये ही करना नहीं था, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमारा ये सैलेड हो गया तैयार, माशाल्लाह ये देखें बहुत मज़े का और टेस्टी, और कुछ नहीं ज़्यादा चीज़ें, खीरे वगैरह वगैरह और कुछ भी नहीं ऐड करना, बस टमाटर और प्याज, माशाल्लाह बड़ा यम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का और टेस्टी इनका जो टेस्ट है ना, जो आग पे हमने इसको भुना है पकाया है, वो जो आ रहा है ना खुशबू, भुने हुए बैंगन का सैलेड बहुत ही मज़े का टेस्टी, हम भी खाते हैं, आप भी बनाएं एंजॉय करें खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बीजी बेबी अपने चैनल पे वेलकम करती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कंप्लीट देखें और
आज का छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बाकी आज का ब्लॉग बहुत छोटा है। आज इतवार का दिन है, मेरी सिस्टर भी आई हुई है, हम बैठ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है। कल भी शूज़ वगैरह लेके आए थे, सबको पसंद आए, और इनको देख के जिसने लेने थे वो सब लेने के लिए जा रहे हैं। छोटे बड़े भी कुछ हुए हैं, कुछ किसी ने ले लिए हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, बस इस तरह से सारा काम करते हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा आपके साथ सारा शेयर करेंगे जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ इस व्लॉग में। मुझे लगता है मैं बहुत कल थक गई थी, आज मेरी कोशिश थी आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखे चारों तरफ से मकान वगैरह बन रहे हैं, हर तरफ गलियों में सामान, यानी पत्थर वो रेत सीमेंट वगैरह सब कुछ इस तरह से है। तो आज धूप बहुत तेज़ है, दिन को धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और रात को अच्छा मौसम हो जाता है। सुबह के टाइम भी सूरज बहुत तेज़ है। तो यह है, रात को अपने कुंडे वगैरह सब संभाल के सोया करें। आजकल चोरी चिकारियाँ बहुत 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 ज़्यादा हो रही हैं, रात की बात नहीं है। दिन को भी अपने घर की कुंडी बंद रखा करें। अल्लाह ताला दुश्मनों को, हसदों को अपने हसद में अपनी ही उसमें गर्क करे। बस अल्लाह ताला उन हसदों और दुश्मनों से हमें महफूज रखे। तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे। बस दुआ तो यही करते हैं, हिदायत दे, नहीं तो फिर जैसी नीयत उसी में गर्क हो। तो चलते हैं, चिकन वगैरह भी लेनी है और खाना वापस आके खाएंगे। अभी मार्केट में शूज़ चीज़ें ये देखते हैं, मौसम ठीक है, सूरज होता है, बहरहाल मौसम अच्छा है। बातें शातें करते गपे लगाते हुए हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ जा के देखते हैं और क्या क्या जो कुछ शेयर कर सके, ठीक, तो नहीं तो घर वापस आके अगले ब्लॉग में ज़रूर। हम भागते भागते गए, कहा कुछ इतना सामान नहीं लेना था, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी वो ली हैं और शूज़ लिए हैं। शूज़ तो मैं सब के इकट्ठे दिखाऊंगी आप लोगों को, ऊपर रख दो इसको। आज हम बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी के लिए थोड़ी सी हमारी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी, ये और इसको कहते हैं ये चीज़ें और ये तेल खाने के लिए तो हमारे पास पड़ा रहता है सारी ज़िंदगी। जब तक मेरी सिस्टर की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उसकी दराज रखे, ये है कि वो सारी ज़िंदगी मसाज जैतून के तेल का करते रहना है उसने। बस आज तो बहुत छोटी शीशी चुनी चुनी मिली है, नहीं थी उसके पास बड़ी। ये दूध का डब्बा हम बड़ा ढूंढ रहे थे, पता नहीं इस्लामाबाद, शुक्र है मुझे मिल गया, वो भी मेरी सिस्टर के लिए। हम कर लिए इसकी, ये बिरयानी बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर। यखनी तैयार हो गई, हम सब मार्केट गए थे, भागे भागे वापस आए हैं। खाल भाई हल्की भात एकदम देख रहा सही थी वैसे, कुछ ना ताजे नहीं, लोग फिश तले नहीं ना, सही थी वैसे, थोड़ी ज़्यादा हुई हल्की भात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें चिकन गोभी ये चीज़ें आलू बड़े अरसे बाद हमने बनाई है, हल्की हाँ हल्की आती देखना हूँ सा देखो गल, थोड़ी सी मेथी भी डालते हैं इसमें, नमक मिर्च भी देख लेते हैं, सही है, थोड़ी सी मेथी डालते हैं, सब्ज़ धनिया फर्स्ट क्लास टेस्टी। भूख लगी हुई है, हाँ मैंने पहले सारा काम छोड़े, उस साइड पे हम मछली फ्राई करते हैं। हमारे घर में एग बहुत ज़्यादा लगते हैं, एग दही दूध ये भी बिरयानी के लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो इन चीज़ों को तीनों को पहले पहले फ्रिज में रखते हैं, चाहे मौसम चेंज भी हो गया फिर भी इनके लिए फ्रिज लाजमी है। हाँ रख दे रखना, बस मछली बिरयानी मछली खा गए। ये हमारा दोपहर का खाना है, 5 बजे था, हम रात को कैसे बिरयानी खाएंगे, कितने बजे खाएंगे, ये सोच रहे हैं। बननी तो है हमारे घर 10-11 बजे खा लेंगे, है ना। हमने खाना भी लेट खाया है और 8:30 बज रहे हैं, बिरयानी को दम आ रहा है। आज भी हमारी वाइट बिरयानी होगी क्योंकि हम कलर लेना फिर भी भूल गए हैं। मैंने दो चीज़ें मिस की आज, एक कलर दलिया बल्कि एक तीसरी चीज़ कश्मीरी लाल मिर्च। ये चीज़ मेरी घर में पड़ी रहती है, कोई ज़रूरत हो तो थोड़ी थोड़ी काम आती रहती है। तो ये चीज़ें आज फिर मैं भूल गई, मेरे पास पेपर भी लिखा हुआ था, ये फिर डिश आउट करते हैं, खाएंगे दिखाएंगे वाइट बिरयानी आप लोग। ये हमारा रायता है, इसमें हमने प्याज खीरा टमाटर, जैसे मैं कहती हूँ ना बिरयानी के साथ जैसे हम रायता बनाते हैं वैसा, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। ये भी तैयार हो गया, इंशाल्लाह 9:30 बजे तक अच्छी भूख लग जाए, 9:30 बजे तक हम इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे,
तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कितनी टेस्टी है। मुझे लगता है आज ज़्यादा टेस्टी है। उस दिन ज़रा जैसे हम लाइट मसाला खाते हैं हमने वैसे बनाई थी, आज हम जैसे मेहमान हमारे खाते हैं हमने वैसे बनाई है। दम दिखा रहे हैं आपको और इसको जल्दी जल्दी दोबारा ढाँप लेते हैं। दोबारा हमने इसको उतार के ये देखें माशाल्लाह धुआँ बंद कर दिया है, क्योंकि हमने इसको एक घंटे बाद 8:30 या 9:30 एक घंटे बाद ओपन करना है, वरना लेट भी खा लेते ऐसी बात नहीं है, 10, 11, 12, 1 बजे तक भी खाते रहते, क्योंकि सुबह बच्चों की स्टडी स्कूलों पर पीर का दिन है, इसलिए बच्चों के लिए हम 9:30 बजे ओपन कर देंगे, डिश आउट कर देंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, इकट्ठे मिल के खाएँगे। माशाल्लाह माशाल्लाह साड़ी वाइट बिरयानी होती है, मेरे भी हम वाइट बिरयानी खाते हैं, आज भी मैं कलर लेना भूल गई, कोई बात नहीं सब चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा। अब जब बेटियों की शादी हो ना उससे 6 महीने पहले आप लोग अपने बच्चियों को खाना पकाना सिखाना स्टार्ट कर दे, हमारी बेटी सीख रही है ये उमैमा सरदार।